हाय गाइज़, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ ये फेस पैक। ये जो मैजिकल फेस पैक है, ये आपके स्किन के कॉम्प्लेक्शन को इन्हेंस करने में हेल्प करेगा, आपके एक्ने पिंपल्स के मार्क्स को कम करने में हेल्प करेगा, आपके पिगमेंटेशन को रिड्यूस करेगा, आपके ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स को हटाएगा, आपके टैनिंग को रिमूव करने में हेल्प करेगा। तो ये जो एक फेस पैक है, ये सारे स्किन कैटेगरी के लोग लगा सकते हैं। तो इसमें क्या मिलाना है, कैसे मिलाना है, ये सब हम आगे बताएंगे आपको कि किस तरह से हर स्किन कैटेगरी के लोग इसे लगा सकते हैं। तो वीडियो में शुरू से अंत तक हमारे साथ बने रहिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियो की सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं इस फेस पैक को बनाना। तो इस फेस पैक में कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट है जिनका मैं आपको ऑप्शन दे दूंगी, उसके जगह पे आप दूसरा कुछ यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कुछ इंग्रेडिएंट ऐसे हैं जिनको आपको डालना ही है, मस्ट है। जैसा कि सबसे पहले यहाँ पे हल्दी, तो यहाँ पे मैं किचन वाली हल्दी का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपको किचन वाली हल्दी सूट नहीं करती है तो इसके जगह पे आप कस्तूरी हल्दी ले सकते हैं, या फिर आप चाहें तो कच्ची हल्दी या फिर वाइल्ड टर्मरिक का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन किचन वाली हल्दी मस्ट है यहाँ पे। इसके बाद मैंने यहाँ पे डाल दिया है 1 टेबल स्पून जितना बेसन। अगर आपको बेसन सूट नहीं करता है तो बेसन की जगह पे आप ले सकते हैं चावल का आटा, या फिर आप ले सकते हैं सैंडलवुड पाउडर यानी कि चंदन पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद थर्ड हम यहाँ पर डालने वाले हैं मसूर दाल का पाउडर। ये मस्ट है, आपको मसूर दाल का पाउडर लेना ही है। तो यहाँ पे मैं करीबन 1 टीस्पून जितना मसूर दाल का पाउडर ले रही हूँ। आप मसूर दाल का पाउडर स्किप नहीं कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे हम लेने वाले हैं दही। अगर आपको दही सूट करता है तो आप दही ले सकते हैं, अगर आपको दही सूट नहीं करता है तो इसके जगह पे आप चाहें तो यहाँ पे रॉ मिल्क का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून जितना दही ले लिया है। तो दही जो है ये हमारे स्किन के लिए काफ़ी अच्छा होता है, ये हमारे कॉम्प्लेक्शन को एनहेंस करने में हेल्प करता है, इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती है, ये आपके एक्ने को रिड्यूस करता है, ये आपके स्किन को ग्लोई बनाता है, रिंकल फ्री बनाता है आपके स्किन को। इसके साथ हमने यहाँ पे बेसन यूज़ किया है, तो बेसन जो है हमारे टैन को रिमूव करने में हेल्प करता है, ड्राई स्किन को क्योर करता है, आपके डेड स्किन को एक्सफोलिएट करने में हेल्प करता है, और जो भी फेशियल हेयर होते हैं उसे भी ये रिमूव करने में हेल्प करता है। और जो टर्मरिक है, टर्मरिक में होता है एंटी बैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज, जिसकी वजह से आपको एक्ने पिंपल्स नहीं होते हैं, आपके स्किन टोन को ये एनहेंस करने में हेल्प करता है। और मसूर दाल का जो पाउडर है ये भी एक्ने पिंपल्स के लिए काफ़ी अच्छा होता है, सबसे अच्छा होता है ये पिगमेंटेशन के लिए, तो ये आपके पिगमेंटेशन को लाइटन करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। तो यहाँ पे हमारा पैक बन के रेडी हो गया है, तो अब हम इसे अप्लाई कर लेंगे। अप्लाई करने के बाद इसे हम छोड़ देंगे 10 से 15 मिनट के लिए, उसके बाद इसे हम नॉर्मल वाटर से वॉश करेंगे। किसी भी सोप का इस्तेमाल नहीं करना है, आपको फेस वॉश यूज़ नहीं करना है। तो ये जो पैक है, ये पैक है ऑयली स्किन वालों के लिए, नॉर्मल के लिए और कॉम्बिनेशन वालों के लिए। लेकिन अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप यहाँ पे कोई भी ऑयल मिक्स कर सकते हैं, जैसे विटामिन ई ऑयल की जो कैप्सूल आती है आप एक ले लें, उसे यहाँ पे मिक्स कर सकते हैं, या फिर आमंड ऑयल मिक्स कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो यहाँ पे कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं। तो इन सबको आप मिक्स कर सकते हैं ड्राई स्किन वाले। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आप यहाँ पे मिक्स कर सकते हैं थोड़ा सा एलोवेरा जेल, तो एलोवेरा जेल काफ़ी अच्छा होगा आपके स्किन के लिए। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो यहाँ पे आप एलोवेरा जेल यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से एक फेस पैक को हर स्किन कैटेगरी के लोग लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपने पूरे फेस पे इसे लगा लिया है। 10 से 15 मिनट के बाद मैं वॉश करके आपसे फिर मिलती हूँ। यहाँ पे मैंने अपने फेस को वॉश कर लिया है। तो ये जो फेस पैक है ये काफ़ी अच्छा है, ये आपके कॉम्प्लेक्शन को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है, आपने एक्ने पिंपल्स पिगमेंटेशन या फिर हाइपर पिगमेंटेशन है इन सब को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। इसके साथ ही आपके टैन को रिमूव करने में हेल्प करता है, आपके डेड स्किन को रिमूव करता है, अगर आपको ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स की प्रॉब्लम है तो उसे भी ये रिमूव करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। तो ये था मेरा आज का वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।